हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म मिगी क्लासेस पे। ये आपका अपना चैनल है और आज हम फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक क्लास 11th का डिस्कस करने वाले हैं, काइनेमैटिक्स। सर, इसमें पहला चैप्टर तो यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट में थोड़ा इसके बाद कराऊंगा, मैं थोड़ा अलग से चल रहा हूँ क्योंकि ये वाला चैप्टर आप क्लास 9th में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो। क्लास 9th में आपने ये कहीं पढ़ा होगा कि मोशन क्या होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला चैप्टर चुना है। और हम किसकी तैयारी करने वाले हैं, NEET 2024 की। ठीक, तो मेरी भी ये पहली शुरुआत है, मेरी भी नई बिगनिंग है, हम दोनों लोग एकदम नए हैं इस मैदान में। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप क्या करोगे, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, आपको बेस्ट देना पड़ेगा और हम अपना बेस्ट देकर ही रहेंगे। जो ये एग्ज़ाम है ना, NEET 2024, ये कहीं ना कहीं बहुत मेहनत डिजर्व करता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आज मैं अपने इस चैनल के नए तरीके से, एक नए सिरे से शुरुआत करने वाला हूँ। इस चैनल पे अभी तक वीडियोस रेगुलर बेस पे अपलोड नहीं किए जाते थे। ठीक है, मैं भी प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं था कोई भी कंटेंट को लेके। लेकिन आज से, आज डेट है 12 मई 2023, आज से लेके जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मतलब दो साल तक आपको लगातार, आपको फिजिक्स का जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी क्रैश कोर्स होगा नीट के पेपर के लिए, ठीक, जितने भी DPP होंगी, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे होंगे, वो सभी इसी चैनल पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको कोशिश करूंगा कि अपने से जितना हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आप जब क्लास पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि आप बिना पे देके इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। आपको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अब रेगुलर बेस पे। आज से मैं अपना पूरा डिवोशन आपके साथ, पूरा टाइम, पूरा हार्डवर्क, सब कुछ आपके लिए इसी चैनल पे रख दूंगा NEET 2024 के लिए। ये कोई बहुत बड़े वादे नहीं है, ये मेरा जो कर्तव्य है मैं बस वही कह रहा हूँ जो मेरे को करना है। ठीक, ये इसके लिए मुझे कोई हार्ड फीस की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सर आप अभी पढ़ा रहे हो, बाद में कुछ दिनों बाद आप एक चैप्टर डाल दोगे, दो चैप्टर अपलोड कर दोगे, उसके बाद आप कंटेंट डालना बंद कर दोगे या फिर आप अपना पेड बैच लेके आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बैच जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट बैच है मेरा NEET 2024 के लिए, तो मैं अपना पूरा 100%, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक, और आपको सबसे बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, वो भी इसी चैनल पे। आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और सबसे बड़ी चीज़ है, ना ही मैं कहीं जाऊंगा। एक जो प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को पूरा करने का समय आ गया। मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करूंगा। ठीक, एक सिस्टमेटिक वे से आपकी क्लासेस चलेंगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कहीं और से कर सकते हो, ठीक, तो आप वैसे भी कर सकते हो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। एक टीचर यही चाहता है कि उसका जो बच्चा है या उसका स्टूडेंट है वो बेहतर से बेहतर बन के आए, चाहे वो कहीं से भी पढ़े। इस बात से टीचर को बिल्कुल भी लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे का भविष्य सुधर रहा है, इससे बढ़कर क्या है एक टीचर के लिए, कुछ भी नहीं। स्टूडेंट जब अपने जीवन में सही स्तर पे पहुंच जाता है तब एक टीचर की उपलब्धि का पता चलता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहला टॉपिक क्लास 11th का नीट पर्सपेक्टिव से और जी मेंस पर्सपेक्टिव से, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जी मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गया, बाकी सारी जो चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, तो उसी हिसाब से हम अपने आप को क्या करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेट याद रखना क्योंकि आज से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो आप। हमको नहीं पता कि आगे कैसी जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन हर परिस्थिति को एक विश्वास के साथ फेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स का, रेक्टिलिनियर मोशन, लेक्चर नंबर जो 1 है। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल का पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज सबसे पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को थोड़ा हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये काइनेमैटिक्स होता क्या है और ये कहाँ से आया है। तो काइनेमैटिक्स जो वर्ड है वो आया है मैकेनिक्स से, याद रखना जरा, अभी मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ। समझ में आया, तो क्या लिखेंगे इसमें, It is a branch of physics which deals with the study of material object. इतनी बात समझ में आ गई,
अब जो बेटा ये मैकेनिक्स है, जो ये मैकेनिक्स है, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ये डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमैटिक्स और तीसरा है डायनेमिक। ठीक, स्टैटिक्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैटिक्स मतलब जानते हो, जब कोई बॉडी कैसी हो, रेस्ट में हो, मतलब जब कोई बॉडी मोशन ना कर रही हो। यहां पे या तो इसको कह सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, मतलब मूवमेंट ना करे, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल की कंडीशन में हो। मतलब जब हम कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स दे, तो एक्सटर्नल फोर्स देने से उस बॉडी पे कोई चेंज ना हो, उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आप साथ साथ क्या करेंगे, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ समझेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करेंगे कि जितना आप ड्यूरिंग द लेक्चर समझ सकते हैं और जितना अच्छे से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम टाइम में। इतना क्लियर हो गया? तो काइनेमैटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, या मटेरियल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो। अब मैकेनिक्स कितने पार्ट में बेटा डिवाइड है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, एस लगा लो बेटा यहां पे, ठीक है, डायनेमिक। अब काइनेमैटिक्स हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ध्यान से समझना, काइनेमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। मोशन के बारे में आप जानते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजिशन को चेंज करता है। यहाँ पे हम काइनेमैटिक्स में ये तो पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब। तो काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के काउज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स मतलब होता है जब कोई बॉडी मोशन में हो, लेकिन मोशन के साथ साथ इसमें क्या पढ़ेंगे, काउज ऑफ मोशन, मोशन किस कारण से हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो काइनेमैटिक्स, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो काइनेमैटिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट considering the cause of motion। इतनी बात समझ में आ गई। तो काइनेमैटिक्स क्या है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील तो करता है मोशन के साथ, मोशन हो रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या नहीं पता चलेगा कि मोशन किस कारण से हो रहा है, समझ में आया। हम सिर्फ मोशन के बारे में पता करेंगे, मोशन का कारण है उसके बारे में पता नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया। तो काइनेमैटिक्स के बारे में इतना आपने लिख दिया। तो इसमें पहला जो पार्ट है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। बात आई समझ में? तो काइनेमैटिक्स डील किन किन चीजों को करता है वो भी समझ लेते हैं। तो काइनेमैटिक्स जो डील करता है बेटा, ध्यान से देखना, तो सबसे पहला तो है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा है रिलेटिव मोशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो काइनेमैटिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इन तीन पार्ट्स में, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। तो आज का टॉपिक कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन, समझ में आ गया। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक ये है कि मोशन होता क्या है। सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। तो मोशन है क्या, मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सहारा लेंगे, फिर आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये है ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन,
और इसी को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या इसी को बोल, या इसी को बोल देंगे ऑब्जर्वर। इतनी बात समझ में आ गई? मान लो क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे ए पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से एक बंदा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इस बंदे ने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट अभी इनिशियल पोजीशन पे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। आपने नाइन्थ में क्या पढ़ा है कि इफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोशन कहते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में भी ये पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन ये दोनों खेल है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो रेस्ट में होगा, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन होगा। मान लो इसने क्या देखा, यहां पे एक सुंदर कन्या बैठी है, तो ये क्या किया, इस कन्या के पास चला गया, ठीक, यहां पे स्वाति बैठी थी तो ये क्या किया, स्वाति के पास चला गया, कौन चला गया, अमन चला गया, ठीक है, अमन कहाँ गया, स्वाति के पास। तो ऑब्जर्वर देख रहा था, अच्छा बेटा लड़की का चक्कर है, लड़की के पास जा रहे हो, तो ये क्या गया, फट से यहाँ पहुँच गया। अब ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, वी पोजीशन पे, तो इसने ए से बी में कुछ डिस्टेंस कवर की, और डिस्टेंस कवर करने के टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो वहाँ पे क्या कहेंगे, मोशन हो गया। और अच्छे से समझ सकते हैं आप, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो सिर्फ, आप तो रेस्ट में हो, आप क्या हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपके रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप क्या कर रहे हो, स्कूल बस से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और आपके स्कूल मेट्स क्या हैं, उस बस में बैठे हैं, बाहर से आपका फ्रेंड देख रहा है कोई जो स्कूल नहीं गया आज, वो कह रहा है आज तो हमने होमवर्क नहीं किया, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ, तुम पे पिटाई लगेगी तुम्हारी वहां, ठीक, वो बाहर से देख रहा है, वो क्या है, ऑब्जर्वर है, आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो। अब सर हम तो पोजीशन चेंज कर नहीं रहे, हम तो बस के अंदर बैठे हैं। आप बस के अंदर बैठे हो लेकिन बस तो मूव कर रही है, बस मूव करने से क्या हो रहा है, आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस लड़के के जो बाहर खड़ा है, जो उस लड़के के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, ठीक। लेकिन आपने ही देखा कि आगे वाली सीट पे एक लड़का बैठा है और वो क्या कर रहा है, ड्राइवर को परेशान कर रहा है या फोन चला रहा है, तो वो आपने, आप ऑब्जर्वर हो गए और जो लड़का बैठा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उस बस के अंदर, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे, उस बस के अंदर आप, वो आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है और आप उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो बस के अंदर आप दोनों कैसे हो गए, रेस्ट, और बस के बाहर वाले ऑब्जर्वर कोई देख रहा है आप, तो किस में हो गए, मोशन में। तो ये किसकी वजह से फर्क आया, टाइम तो यहां पे भी लग रहा है लेकिन इसमें खेल किसका है, ऑब्जर्वर का या पॉइंट ऑफ रेफरेंस का। तो मोशन में जो सबसे अहम रोल है वो किसका है, ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का, ठीक। ऑब्जर्वर के बिना आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मोशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आप स्पेस में हो, ठीक है, तो स्पेस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि चारों तरफ मान लो अंधेरा ही अंधेरा है, आप अकेले, आपको कोई देखने वाला नहीं है वहां पे, ठीक, कोई ऑब्जर्वर नहीं है और आप मूवमेंट कर रहे हो। जब आप वहां पे मूवमेंट करोगे तो आप किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हो, आपको नहीं पता, आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आप कोई बता सकता है वहां पे कौन सी एक्सिस पे आप जा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो, वाई पे जा रहे हो, जेड पे जा रहे हो, समझ में आया। तो वहां पे अकेला ऑब्जेक्ट भाग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में भाग रहा है पता ही नहीं है, तो क्या वो अपनी ऑब्जेक्ट पोजीशन पता लगा पाएगा कि वो कहां है और कितना चल के आया, नहीं, ठीक, समझ में आया। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों का बहुत बड़ा रोल है किसमें, मोशन में। फॉर एग्जाम्पल एक और कहानी सुनते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हो आराम से, आप वैकेशन में जा रहे हो और आप ट्रेन पे बैठे हो, ठीक है। अब जब आप ट्रेन पे बैठे हो तो ट्रेन तेज चल रही है भाई, शताब्दी है, टक 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 चल रही है, और आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर बैठे हो, ठीक, और आपने क्या देखा, एक प्लेटफॉर्म पे सुंदर कन्या बैठी है। ओहो सर लड़की वाला एग्जाम्पल दे रहे हो, और आपको पता चलता है वो आपकी फ्रेंड है, ठीक भाई, जनरली ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मिल जाते हैं, ठीक, या नहीं भी जानती हो, आपको अच्छी लगी और आपको बात करनी है, ठीक। अब ट्रेन तो जा रही है, प्लेटफॉर्म पे तो धीमी धीमी चलती है, एकदम तो निकल नहीं जाएगी, तो मान लो वो बाहर बैठी है प्लेटफॉर्म पे, वो आपको, आप उसको देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वो आपको नहीं देख रही, आप उसको देख रहे हो, तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो,
तो वो जो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जर्वर हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी कोऑर्डिनेट से पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, और आप कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है क्या, नहीं, आप एक्चुअल में आगे जा रहे हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, मोशन हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हो, ठीक, आराम से अपनी सीट पे, और पीछे से कोई चने वाला आया, ए चने ले ले, चने चने ले ले, चने चने ले ले, चने, अब वो आपके पास आ गया, तो वो पहले एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे से दूसरे डिब्बे आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो उस वो लगातार पोजीशन चेंज कर रहा है उस ट्रेन के डिब्बे में, ट्रेन मोशन में है, लेकिन उसी ट्रेन के एक डिब्बे में आप बैठे हो, और उसी ट्रेन के एक डिब्बे में वो चने वाला है, ठीक है, तो चने वाला आपके पास आ रहा है, आप स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में, आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर, और वो चने वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो चने वाला क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आपको कैसे पता पोजीशन चेंज कर रहा है, आप क्या चेक करोगे, उसका इनिशियल पॉइंट, कहां से वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वहां से जब वो आगे आएगा तो उसकी दूरी क्या बता देगा, कि इसने क्या चेंज की, पोजीशन चेंज की, आई बात समझ में इतना, तो ये क्या हो गया, मोशन हो गया, तो मोशन क्या है, इफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन, समझ में आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कह दो, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कह दो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैन क्या है, सबसे सटीक डेफिनेशन, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कंसिडर कर रहे हो, इफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन, इतनी बात समझ में आ गई, रब कर दें इसको, तो मोशन में लिखेंगे सबसे पहले, If a object changes its position with respect to WRT लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, with respect to the observer is known as motion. समझ में आ गया। अब मोशन को एक तरह से और समझ लेते हैं, मोशन होता कैसे, ठीक, तो पहला मोशन होगा तो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, मींस डिस्टेंस कवर करेगा, कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, तीसरा क्या होगा, उसका टाइम चेंज होगा, आई बात समझ में, तो आपने एक जनरल सा फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो सिक्स क्लास से, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो पढ़ा है ना, तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम में, वो तो स्पीड हो गया, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ये इनिशियल पोजीशन पे है अभी ऑब्जेक्ट, और मान लो ये यहां पे आ गया, ठीक है, ए से ए पे था, बी पे आ गया, तो ये क्या हो गई, इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, बात आ रही है समझ में आपको, तो इसके बीच में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस को बोल दिया एल, ठीक, और कुछ ना कुछ टाइम टेकिंग लगा यहाँ पे, तो इसको बोल दिया टी, समझ में आ गया, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, भले ही माइक्रो सेकेंड टाइम लगे, मतलब वो एक कदम चलाए, ठीक, एक कदम जब चलेगा तो कुछ ना कुछ माइक्रो सेकेंड तो टाइम लगेगा ही, ठीक, और कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी उसकी, समझ में आ गया, तो डिस्टेंस जब भी मोशन होगा तो वहां पे किसके रिस्पेक्ट में होगा, इन तीनों के, पोजीशन टाइम स्पीड, या पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ठीक, टाइम कह सकते हो, स्पीड कह सकते हो, इतनी बात समझ में आई, इसको साइड से आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक, अब तो सर लगे हाथ रेस्ट भी बता दो, रेस्ट क्या होता है, सेम चीज रेस्ट में लिखेंगे, आपको रेस्ट के बारे में पता ही है, ठीक, अच्छा इसका एग्जाम्पल और लिख लो, क्या लिख लो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, ये मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, अच्छा जो टॉपिक आपका है, टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, ध्यान से समझना अभी आप, टॉपिक कौन सा है, रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब आप जानते ही हो, मैथ्स में पढ़ा है, लीनियर का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी कैसी मूव कर रही हो, स्ट्रेट, ठीक, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो कह सकते हो, ठीक है, मोशन है, तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, अच्छा मैथ्स में आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा एलजेब्रा में, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, तो एक्स मतलब वन कोऑर्डिनेट कह सकते हो, ठीक है, वन कोऑर्डिनेट कह सकते हो, वन डायमेंशनल कह सकते हो,
अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मान लो देखो ये बेटा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऑब्जेक्ट वो यहां पे है, ठीक। ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, या इसको कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक। तो आप इतना ही समझो कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या तो आइदर एक्स एक्सिस करेगा, या आइदर वाई एक्सिस कर सकता है, या आइदर जेड एक्सिस कर सकता है। मतलब जो रेक्टिलिनियर मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हो। बात आई समझ में, या तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चलेगा या ऑब्जेक्ट वर्टिकली चलेगा। हॉरिजॉन्टली चलेगा तो क्या हो गया, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी को किस नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको भी आप साइड से नोट करके लिख सकते हो। अब मोशन का एक और एग्जांपल समझ लो। आपने को पता ही है ना कि जो अर्थ है हमारी कंटिन्यूअसली मोशन में है या नहीं है, कंटिन्यूअसली मोशन में। अब अर्थ के बाहर से कोई व्यक्ति हमको देख रहा है, मान लो चांद पे बैठा है जादू, ठीक है, अब वो अर्थ की लोकेशन पता लगा रहा है कि अर्थ में क्या हो रहा है, ठीक। जब अर्थ लगातार घूम रही है, आप अर्थ को एक बॉल कंसीडर करो, उस बॉल के अंदर क्या है, हम सभी लोग बैठे हैं, ठीक। जब बॉल घूम रही है तो हम भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो चांद पे बैठे हुए उस जादू के रिस्पेक्ट के लिए हम क्या हो गए, मोशन में, और वो क्या हो गया, चांद पे बैठने वाला, ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो मोशन का एग्जांपल आप समझ सकते हो, मोशन ऑफ अ मून कह सकते हो, मोशन ऑफ अ अर्थ कह सकते हो। ये किसके एग्जांपल है, शब्द किसके है, मोशन के। इतनी बात समझ में आ गया, कोई बात तकलीफ यहां तक कोई भी, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप या तो साथ साथ मेरे साथ लिखते चलो या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी तकलीफ नहीं, ठीक। तो हम किसके बारे में पता करने वाले थे, वी रेस्ट क्या होता है। पहले हमको रेस्ट बताना चाहिए था आपको, लेकिन रेस्ट तो आप अब आसानी से समझ जाओगे। मैंने क्या बताया था, मोशन क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो वहां पे मोशन होता है। अब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करे, इसमें लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज नोन एज रेस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, ए बुक इज कैप्ट ऑन द टेबल। इतनी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ समझते चलो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था मोशन में कौन सी चीज के बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन। पोजीशन के लिए सेम हम वही डायग्राम कंसीडर करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ऑब्जेक्ट को यहां पे है पी पॉइंट पे, ठीक है, ऑब्जर्वर ये रहा, ये क्या है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन एक्स एक्सिस पे कहां है, पी पॉइंट पे। ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कहां है, पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट क्या हो गया, इसका लोकेशन हो गया, क्या हो गया, लोकेशन, ठीक। तो इसमें लिखेंगे इट इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ में आया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी तकलीफ, ठीक। और भी इसको दूसरे नाम से कह सकते हो, पॉइंट डाल के लिखना, नोट डाल के लिख सकते हो, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम
इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कह दो, ठीक है, कोई भी तकलीफ? इतना आपको समझ में आ गया? अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं, नोट डाल के लिखना बेटा। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पाथ लेंथ बताता है, तो पाथ लेंथ बता रहा है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, तो इट्स यूनिट इज मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट इसी में लिखना है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे यहां पे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अभी, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको डिटेल से। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, जरा ध्यान से देखो, सेम चीज, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, या कह सकते हो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इतनी बात समझ में आई? तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, ये मान ले रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ए पे ऑब्जेक्ट है, और इसका पोजीशन वेक्टर बोल दिया हमने आर कैप। आर कैप यहां पे क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, अभी ध्यान से आपको समझाएंगे। आर कैप क्या है, इज अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन समझते हो, वेक्टर ले लिया, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो आर कैप क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, कहां से, ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर है कहां पे, यहां पे। एक चीज इसी में जरा देखो, आपको पता है कि एरो जो होता है, ये वाला कौन सा साइड होता है, हेड, ये वाला कौन सा होता है, टेल, ठीक, तो टेल टू हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, टेल टू हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इतनी बात समझ में आई? अब बेटा जरा ये बताओ इसी में, कि जो ऑब्जर्वर की साइड है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर की क्या है, टेल है, तो लिखेंगे टेल ऑफ आर कैप रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर पोजीशन, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जर्वर पोजीशन को। बात आई समझ में? ठीक, हेड साइड, हेड ऑफ लिख लो, हेड ऑफ आर कैप रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन। इतनी बात समझ में आई? जो आर कैप है क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और आर कैप का जो टेल है, ये टेल साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर की पोजीशन, और हेड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब जो डायरेक्शन है, टेल टू हेड क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक, टेल टू हेड क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, या पोजीशन बता रहा है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो था पोजीशन के बारे में। अब हेडिंग डाल लो डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डाल लो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज इसमें और लिख सकते हो, कि जब इसकी यूनिट क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, L, क्योंकि क्या है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, L, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इतना लिख लो, क्लियर आ रहा है, विजिबल है, क्लियर, ठीक है, जल्दी से रब करते हैं, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऐसे आगे के टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनको भी साथ लेके डिस्कस करेंगे। अब है डिस्प्लेसमेंट, अब टॉपिक कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस कब पढ़ाओगे, अभी पढ़ा देंगे, डिस्प्लेसमेंट समझ लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी आपको बिल्कुल जानकारी आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करता है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो इसमें क्या लिखेंगे, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट है तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नोट डाल के लिखेंगे पॉइंट में। पहला पॉइंट हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ लेंथ। अभी सबको समझाऊंगा। अपॉन द पाथ लेंथ ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन लिख लो, अभी सबको समझा दूंगा ठीक है। अब जरा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद पॉइंट लिख लेना। सेम चीज, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ठीक है, और ये पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट ए है ठीक है, और ये क्या है, पाथ लेंथ है। तो मैंने क्या बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट कितना पोजीशन चेंज हुआ है। पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहां से चेंज होगा, ऑब्जर्वर से, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। तो ये क्या है, आर आई हो जाएगा। आर आई क्या होगा, चेंज इन इनिशियल पोजीशन। बी पॉइंट क्या है, चेंज इन फाइनल पोजीशन। आर एफ क्या हो जाएगा, चेंज इन फाइनल पोजीशन। तो ए से लेके बी तक की जो दूरी है उस पे डिपेंड ना करके ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से, कैपिटल एस ठीक, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, या कह सकते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक्चुअल में जो पाथ लेंथ है उस पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि चेंज इन पोजीशन, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये रहा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन कौन सा है, यही तो है। तो ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बात समझ में आई, आर एफ क्या है, चेंज इन फाइनल पोजीशन, आर आई क्या है, चेंज इन इनिशियल पोजीशन, और एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ में, कोई भी तकलीफ, इतना आपको समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, इट्स यूनिट इज मीटर, क्योंकि लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अच्छा मैं अब आपको यहां बताऊं, जैसे मैंने क्या बताया था, डेल एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होगा कहां से, आर एफ माइनस आर आई। आर एफ माइनस आर आई क्या बताएगा, चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ गया। अब मेरे को आर एफ निकालना है, क्या निकालना है, आर एफ, फाइनल पोजीशन निकालनी है। तो क्या करेंगे, एस प्लस आर आई, यही तो करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, जरा समझते हैं। मतलब अगर मेरे को आर एफ निकालना है, वी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल पोजीशन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या मिल जाएगा हमको, वी पॉइंट मिल जाएगा। आपने ये ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा था ना ठीक, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी फाइनल पोजीशन निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी तकलीफ यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब जरा कुछ पॉइंट हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां पे ध्यान से देखते रहना। अगर मैं बोलूं कि पाथ ऐसा क्लोज है ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इस पाथ, अगर क्लोज पाथ के लिए इसका इनिशियल पॉइंट भी यही रहा, फाइनल पॉइंट भी यही रहा, तो आर एफ जो एस निकालेंगे, बेटा ध्यान से देखना, एस बराबर क्या था, आर एफ माइनस आर आई ठीक। तो आर एफ कितना है, जीरो, या कह सकते हो कि पूरा यहां से यहां चल के आया, मान लो 10 मीटर है
और जो सेम इनिशियल पॉइंट वो भी कितना है 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। मतलब जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे सर? ऐसे मान लो, वही चीज है, एक बार ग्राफ में समझ लो। ये ग्राफ रहा, ऑब्जेक्ट ये था ठीक ओ पॉइंट पे, तो यही आर एफ था और यहाँ पे यही आ रही था, मतलब ऑब्जेक्ट इतना गया और इतना सेम पाथ पे वापस आ गया। ठीक, मान लो 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आ गया, तो आर एफ कितना था, 10 मीटर, आया कितना वापस, 10 मीटर, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। समझ में आ गया? तो इसमें नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना बेटा, फॉर अ क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को हम 0 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर। इतनी बात समझ में आई? ये और 0 वेक्टर को मैथ्स में क्या कहा जाता है, नल वेक्टर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नल वेक्टर, ठीक है, नल मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा थोड़ा हम और चीजें डिटेल में देखेंगे, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ चीजें हम और डिटेल में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट लिख लो या सिक्स्थ पॉइंट, वो नोट डाल के लिखना। डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव 0 और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव का केस आपने देख ही लिया है। पॉजिटिव का केस का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो वही था कि ऑब्जेक्ट ओ से लेके ए पॉइंट में जा रहा है, तो ओ क्या है, ऑब्जर्वर है, और आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ऑब्जेक्ट ओ से आर जा रहा है, ठीक, तो कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो 10 मीटर जा रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब 0 कब होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कैसे हो, सेम हो, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, 0, मतलब आर एफ बराबर आर आई, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, या लिख सकते हो डेल एस बराबर 0, डेल एस इक्वल्स टू 0, डेल एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जो वेक्टर एस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 0 हो गया। समझ में आ गया, कोई तकलीफ? अब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव हो सकता है, देखो ध्यान से सुनो, एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले ए से बी जा रहा है, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है और ये है 20 मीटर, ठीक, ऑब्जेक्ट बी से ए आ गया, यहाँ पे 20 मीटर था, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना था, ए से बी जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब बी से ए आया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन अब बी ए से और पीछे जा रहा है, मान लो सी पॉइंट पे आ रहा, ए पॉइंट पे आने के बाद उसे लगा कि मुझे थोड़ा और चलना चाहिए, तो वो 10 मीटर और आगे चला आया, कितना चला आया, 10 मीटर। अब कैसे निकालेंगे, देखो बेटा डेल एस कैसे निकालते, एस बराबर क्या आ जाएगा, आर एफ माइनस आर आई, ठीक है, इसको डेल एस भी लिख सकते हैं, डेल एस हमेशा क्या बताता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पे देख लो, डेल एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई, आर एफ बेटा कितना है, 20 मीटर था, फाइनल पॉइंट 20 था, वो चला कितना आया, 20 प्लस 10 कितना चला है, 30, तो माइनस 10 क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ध्यान से देखना, ठीक, माइनस 10 मीटर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अपना इनिशियल पोजीशन से पीछे चला आए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट जब अपने इनिशियल पोजीशन से पीछे आए, ठीक, तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपने ग्राफ तो पढ़ा है ना इंटीजर वाला, ये 0 होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट 0 तक आ रहा है तो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, 0 से इधर चला आया, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर हो गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, 0 कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट कैसा हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 ना आए। ठीक, 0 कब नहीं आएगा, जब ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे रिटर्न बैक नहीं करेगा।
ठीक। अगर सेम पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक कर रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूँ, जस्ट अभी वीडियो के बीच में अभी डिलीवरी बॉय आया था, तो वो आपके लिए ये गिफ्ट है आप सभी के लिए, ठीक है। आप लोग तैयार रहें, इसका मैं आपके सामने इसको ओपन करूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए, मुझे तो पता है लेकिन आपको थोड़ा सरप्राइज कर दें। टन टन, नीट 35 इयर्स प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, सॉल्व्ड पेपर है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है, क्योंकि बेस्ट बुक इसलिए है, पेपर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो ये बुक वाले चेंज नहीं कर देंगे, बुक कोई सी भी ले लो, लेकिन अरिहंत पब्लिकेशन की है, बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नीड्स के सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सही रेंज में मिल जाती है मार्केट में, 200 रुपीज़ में लगभग। प्राइस रेट इसका कितना है, 290 दिखा रहा है, लग अप्रॉक्सीमेट 200 रुपीज़ की है ये, और बहुत ही अच्छी बुक है। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने ही बुक ओपन की है, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है इसकी बुक की, और अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज वो यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो तैयार हो आप लोग, ठीक। तो अभी टॉपिक पे वापस आते हैं, नीट 35 इयर्स के लगभग पेपर हैं इसमें, 35 इयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक। इसको रब कर दें ज़रा, ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, नमो नमो नमो। अरिजीत सिंह के कौन कौन फैन है, आवाज़ में इतना दम है, मतलब क्या मेलोडियस वॉइस है उनकी, हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। अच्छा ये लिख लिया था इसमें कि जो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट है उसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल एस से, ठीक है, एस से बोल सकते हो, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो सी टॉपिक होगा ना ये होगा डिस्टेंस, सॉरी गर्मी की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है, पता नहीं दिमाग में एकदम, इसीलिए कहते हैं ना कूल होके पढ़ा करो। जो सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक का जो टाइम होता है ना, सितंबर से लेके या अक्टूबर से कह दो, अक्टूबर टू मार्च का जो टाइम होता है वो आपके लिए गोल्डन प्रीसियस टाइम होता है। उस टाइम आप कोई से भी कंपटीशन की एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, आपके पास अच्छा टाइम होता है, आपको ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं पड़ता है। लोड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता भाई, कहीं रजाई कंबल डाल के कहीं कोने में सिमट जाओ, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अभी तो मई चल रहा है, आप समझ ही सकते हो, एकदम टेम्परेचर एकदम अपने पीक पे होता है। पहले नहीं ऐड आता था, आपने देखा पहले ऐड आता था कि वो टीवी में ग्लूकोज वाला सूरज एकदम ऊपर से सूप की तरह हमारी एनर्जी सोख लेता था, ऐसा नहीं दिखाया जाता टीवी में, अब वो टीवी में ऐड वो भी नहीं आते हैं। अब तो खुद ही आदमी अपना खून चूसने में लगा, या पड़ोसी वाले, अरे आपका लड़का पढ़ता कहाँ है, आपका लड़का तो घूमता रहता है दिन भर, मैं छत पे देखता हूँ 2-2 घंटे फ़ोन चलाता है। और जैसे ही आपके पापा मम्मी को ये बात पता चलती है, पापा मम्मी डंडा परोसना स्टार्ट करते थे, कहानी गान नालायक फ़ोन लेता, इसलिए लिया मैंने फ़ोन तुझे। बड़े खतरे में रहते हो आप लोग, ठीक है, आसपास की हर जगह से आपको एकदम चारों तरफ से फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ये प्रेशर ही तो है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, मजबूत कर रहा है, मजबूर बना रहा है, कुछ भी कर, मजबूत बना रहा है, ठीक है, विल्ड कर रहे हो अपने आप को आप, ठीक है। तो अगला टॉपिक कौन सा है, डिस्टेंस। एनर्जी वापस लेके बैठो फटाक से, थक गए हो मैं पता है, देखो कमर, देखो उसकी, देखो कमर ऐसे बैठा है, थोड़ा एकदम स्ट्रेट बैठो, तो हमें देख के हमको आलस आ रहा है, सर आप कैसे देख रहे हो, टेलीपैथी से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंस पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। मतलब आप बचपन से जितना भी चल के आ रहे हो वो सब क्या है, डिस्टेंस। आप कितना भी अपनी इनिशियल पोजीशन को रिपीट करो वो सब क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ पे। ऑब्जेक्ट कोई यहाँ से गया, ये आया, ऐसा आया,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है, फाइनल पोजिशन है आर एफ, और ये ए पॉइंट क्या है, आर आई है। जब दोनों पोजीशन बिल्कुल भले ही पास हो, लेकिन ऑब्जेक्ट चल के कितना आया, एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर की, ये क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। इतनी बात समझ भाई। चलो हम जरा लिखने की कोशिश करते हैं, ये डायग्राम इतना अच्छा मत बना लेना, ठीक है। वो हम आपको समझा रहे हैं, जस्ट सभी मोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो डिस्टेंस है क्या, इट इज द एक्चुअल लेंथ, लिखो मेरे साथ, लिखो इट इज द एक्चुअल लेंथ, या इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ लिखो बेटा, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, एक ही बात, इज नोन एज डिस्टेंस। बेटा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड y s, ठीक है। सेकेंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि स्केलर और वेक्टर दोनों को ऐड कर सकते हैं, नहीं। स्केलर क्या है, एल्जेब्रिक सम बताता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या बताता है, वेक्टर सम बताता है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ क्या बताता है, एल्जेब्रिक सम। वेक्टर क्वांटिटी क्या बताता है, वेक्टर सम बताता है। क्लियर हो गया, कोई भी तकलीफ, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, साथ साथ आपको पता है इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज मीटर, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, आप समझदार हो। कोई भी तकलीफ, अब वही सेम चीज़ कंसिडर करेंगे दो एक्सिस। अब तो आप एकदम, सर जब से पढ़ा रहे हो सर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट यही पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं मत बेटा, सेलेक्शन भी तो होना है तुम्हारा। ये क्या है, बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट पे। तो ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ओ पॉइंट, ध्यान से देखना, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भैया, ऑब्जर्वर देखेगा। तो ये क्या है, आर आई इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, आर एफ फाइनल पोजीशन, ठीक। और तो ये क्या है, ये एस है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, समझ में आया। अब एस है डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ए टू बी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। अब डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस होगी कितनी, तो डिस्टेंस होगी कितनी, ये है ए प्लस बी करोगे तभी तो आएगा डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कैसा होगा, आर आई प्लस आर एफ, दोनों जोड़ोगे ना तभी तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। मतलब इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी तकलीफ यहां तक कमेंट में बता देना, तकलीफ हो इतना समझ में आ गया। अभी हम इसके कुछ और रेस खोलेंगे। अरे आप नहीं अपने दुश्मन के रेस खोलते हो, अच्छा तुमने मेरे को पेपर में बताया नहीं, मैं तुम्हारी सर से कह दूंगा कि तुम उस पेपर में चीटिंग लेके आए थे, हैं, या बता दूंगा क्लास में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। अरे भाई यार बिल्कुल पेपर दिखाऊंगा, ऐसा करते हो ना, ठीक। तो अभी इसके भी रेस थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रेस क्या है बेटा, एक और चीज पता है, ये किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। तो क्या लिखेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक। अब दूसरी चीज सर, बहुत गौर करने वाली चीज ये है सर, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो सकते, हो सकते कैसे, जरा यहां देखने की कोशिश करना कि मैंने ब्रैकेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये या तो ग्रेटर देन, जो डिस्टेंस होगा या तो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर होगा। जो डिस्टेंस होगा या तो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बराबर कब होगा वो भी समझ लेते हैं, जब ए से लेके बी सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, कैसा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, या कह दो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा हो। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, या कह दो वन डायमेंशनल मोशन, सर अभी समझाया था 1D, ठीक, वन डायमेंशनल मोशन में हो, तो डिस्टेंस भी कैसी हो, सेम होगी, और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे या बराबर होंगे। मतलब ए से बी मान लो 10 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 10 किलोमीटर, बात समझ भाई। जब तक ऑब्जेक्ट जो रिटर्न बैक ना करे, रिटर्न बैक करेगा मानो
ए पॉइंट पे वापस आया 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ध्यान से देखना अभी, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाई द बॉडी। तो एस वन प्लस एस टू मतलब कितना चल के गया, 10 गया और 10 वापस आ गया, कितना हो गया 20 किलोमीटर। बहुत सही सर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी देखना क्या होगा, एस टू माइनस एस वन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, कितना था 10 गया और वापस कितना आ गया 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जब तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपने इनिशियल पोजिशन में रिटर्न बैक नहीं करेगा, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर, सॉरी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, एक बार फिर से देखते हैं, जब तक डिस्प्लेसमेंट अपने सेम पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा नहीं होगा, तब तक 0 नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। अब जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैसे है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम पाथ पे है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट छोटा कब होगा डिस्टेंस से, जब वो अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ बढ़ेगा, ठीक, या कह दो इनिशियल से और पीछे जाएगा, तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या 0 हो जाएगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम। सर इतना क्यों कंफ्यूज हो गए, अभी टेम्परेचर है कमरे का 47, इस वजह से, ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा दिक्कत हो गई। इतना समझ में आ गया, कोई भी तकलीफ यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नोट डाल के एक चीज लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट यही कि डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल व्हेन द मोशन इज स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल, विदाउट रिटर्न बैक, विदाउट टर्निंग बैक। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी तकलीफ इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है डी वाला, वो है वेलोसिटी का। किसका है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं लगे हाँ, तो वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। बेटा रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। जैसे कि हमने क्या किया, v बराबर लिख दिया, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जरा हम यहां पे कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे, देखो बिल्कुल थोड़ा बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, पता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर की टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया भैया, वो भी देख लेते हैं। इसका हो गया m, अब यूनिट किसकी होती है, मीटर किसकी होती है, लेंथ की, तो l t इनवर्स 1। ये तीनों क्या, ये दोनों मास, सॉरी लेंथ और टाइम, ये कैसे हैं, मास लेंथ टाइम, ये तीनों क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की होगी सेकंड। तो लेंथ को l और टाइम को t इनवर्स, ये ऊपर चला गया तो t इनवर्स हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं तो ऐसा ही तो होगा,
ये नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा टाइम कंसीडर करेंगे और वर्टिकल पे मान लो क्या कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया एस से। ये ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ही तो आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये स्ट्रेट लाइन तब आएगा जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ध्यान से समझना, अभी ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है, तो ए से बी जाने में मान लो 20 किलोमीटर है और वो 40 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक, तो बी से सी भी जाएगा तो कितना मिनट किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर कवर करेगा कितने मिनट में? 40 मिनट में। समझ में आया? तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इतना तो। ठीक है, इतना तो आपको आता है, बेसिक सा था, थोड़ा मैंने बता दिया। रिलेट करके बताना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप बाद में कहीं इधर उधर दूसरी बुक से ढूंढते हो तो आपको तकलीफ होती है, फिर सोचते हो कि सर ने नोट्स में कंप्लीट नहीं करा। मैंने इसलिए नहीं, देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब आप बहुत पहले से पढ़ चुके हो। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर लेना इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, अब कुछ चीज़ें और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करके लिखना पहले। ठीक है, नोट। ठीक, वेलोसिटी क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ स्पीड है और वो डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करे, मूव करे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी पता चल जाएगा हमको। ठीक है, इट गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड of an object that moves in a definite direction। बात आई समझ में? तो वेलोसिटी क्या बताएगा? वेलोसिटी ये बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ स्पीड है और वो क्या कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी बता देगा। ठीक है, कोई भी तकलीफ। अब की पॉइंट्स डाल के आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट्स क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। थर्ड पॉइंट लिखोगे इसी में, ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गया? कोई भी तकलीफ? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्थ पॉइंट लिखोगे कि इट कैन बी पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव। समझाते हैं कैसे, अभी तो समझा ही चुके। मान लो कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पॉजिटिव का तो पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऑब्जेक्ट 20 मीटर जा रहा है 5 मिनट में, तो कितना वेलोसिटी निकल आएगा, 4 निकल आएगा, 4 मीटर पर सेकंड निकल आएगा, इतना तो कैलकुलेट कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट जितना जा रहा है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दो, जितना टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या निकल आएगा, वेलोसिटी। जीरो कब होगा? जीरो क्या होगा? जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। जीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये कह दो कि डिस्प्लेसमेंट कोई भी बॉडी का जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, तो जितना टाइम लग रहा है उतनी, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके हिसाब से टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई? कोई भी तकलीफ? तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया कोई भी बॉडी का तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है आपको बता दिया है, तो अगर कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। अब सबसे बड़ी चीज आती है आपके दिमाग में, कभी कभी कंफ्यूजन बच्चे को हो जाता है, क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम नेगेटिव में चलेगा क्या? नहीं ना। समझ में आ गया? अगर कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी तकलीफ? इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, इतना लिख लिया। बच्चे कह रहे सर कमर टेढ़ी हो गई, अटक गई एकदम, बिल्कुल अकड़ गई बॉडी। कोई बात नहीं, थोड़ा एकदम जुम्बा जुम्बा वाला डांस कर लो, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ। समझ में आया? चलो डांस करने पहुंच मत जाना, पता चले लेक्चर छूट जाए, मिस हो जाए। ठीक है।
अब थोड़ी और चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे इसी में। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो वहाँ पढ़ ही चुके हो, अभी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी के टाइप कितने होते हैं? तो वेलोसिटी का पहला टाइप क्या है बेटा, आप जानते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता है आपको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था। और तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। पेपर में क्वेश्चन यहां से बनते हैं एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। और है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम डिस्कस जो करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। ये तो आपने पढ़ ही रखा है। यूनिफॉर्म का मतलब एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस में जो अनइक्वल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस में कोई भी बॉडी अनइक्वल, अरे यार, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो इसमें बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्या डालोगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल। यहां पे क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज It is defined as the ratio of total displacement to the total time taken to be average करके लिखेंगे इसको, be average लिखा जाता है, formula होता है total displacement अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डेल एस, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? डेल टी। ये आ जाएगा बी एवरेज। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि डी एस क्या बताता है? डेल एस हमेशा डेल बताता है चेंज। डेल एस क्या बताएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आया प्यारे बंधुओं? और डेल टी क्या है? चेंज इन टाइम। कोई भी तकलीफ, डेल एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? आर एफ माइनस आर आई, सही है। डेल टी को कैसे लिख सकते हैं? टी टू माइनस टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी तकलीफ यहाँ तक नोट कर लो, इतना नोट करो फिर आगे समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से। मच्छर का ऐड नहीं आता था, फटाक से मच्छर गायब, फटाक से मच्छर फू, वैसे ही फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई भी तकलीफ? सर तकलीफ तो बहुत है ज़िंदगी में, गर्लफ्रेंड ने कल रात को ही ब्लॉक कर दिया सर। ऐसे ही महामारियों का कोई भी इलाज नहीं है इस YouTube चैनल पे। इलाज एक ही है कि ऐसी महामारियों से जितना दूरी बना के रखो उतना ही आप जीवन में सुखी और अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड रहोगे। ठीक है बालकों, आज का मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार ये है कि जो तुम्हें डायरेक्शन से भटकाए उसको भटका दो, अपने आप से अलग कर दो। वाह, बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसी में नोट डाल के लिखेंगे एक पॉइंट और। नोट्स अच्छे बनाना, ठीक है, एकदम बिंदास। कोई कहे कहाँ पढ़ रहे हो सर? मेगी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, नोट्स हमने बनाए। कम से कम बाद में ये तो चेक कर पाओगे कि सर ने कितना पढ़ाया है और हमारे पेपर में कितना कहाँ से आ रहा है। तो नोट्स से ये चीज़ तो आइडिया मिल जाता है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो ना, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होता है कि हाँ किस टॉपिक का क्वेश्चन है और कहाँ पे अवेलेबल है। आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ में आ गया? तो नोट डाल के क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी चीज़ लिखा रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस at uniform rate
रेट, द एवरेज वेलोसिटी, पेपर में वन लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में वन मार्क्स के लिए, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए सभी के लिए बता रहे हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब जो बच्चे क्लास 11th के लिए होम मतलब 11th की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नीट फीड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, नोट्स बना लें, मैं गारंटी देता हूं कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबरों से, अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, बेस तो क्लियर हो ही जाएगा, फिर उनकी च्वाइस है कि नीट करना है या नहीं करना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता नीट जेई मेंस। लेकिन अगर आप क्लास 11th और 12th के कंटेंट से बोर्ड पे फोकस करके पढ़ना चाहते हो तो वेलकम है आपका इस चैनल पे, आपको मज़ेदार कंटेंट मिलेगा, भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे और जिंदगी के बेजोड़ उपाय बताए जाएंगे आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब बताया इसका, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, फिर से ध्यान से सुनो, मैं एग्जांपल बार बार दूंगा क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो हिंदी नहीं, ए से बी जा रहा है बी से सी जा रहा है, तो ए से बी पहुंचने में जितना डिस्टेंस जितना टाइम लग रहा है उतना ही बी से सी पहुंचने में उतना ही डिस्टेंस उतना ही टाइम लगेगा, समझ में आया। इफ अ बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत? बहुत सही, बहुत सही। अब जरा एक मस्त सा बोई वाला ग्राफ बना ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने क्या किया है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, सेम चीज सर फिर बोलोगे आप, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, आर एफ है ये, और ये क्या है, आर आई इनिशियल पोजीशन, अब तो सर रट गया, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एस। बात समझ में आई, ए पॉइंट पे टाइम कितना है, टी आई इनिशियल पॉइंट टी आई, बी पॉइंट पे टाइम कितना है, टी एफ। बात समझ में आए, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने आपको बताया था, बी एवरेज कितना था बताओ जल्दी, बी एवरेज क्या था, डेल एस अपॉन डेल टी, ध्यान से देखना, डेल एस क्या बताता है, आर एफ माइनस आर आई, सर अभी तो आपने पढ़ाया ही था, ये क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी आई। बात समझ में आए, कोई भी दिक्कत, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वी एवरेज का, कोई भी तकलीफ। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, की पॉइंट डाल के लिख लो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी भाई क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, कोई भी तकलीफ। सेकेंड पॉइंट क्या है, फिर से वही चीज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, बताया आपको, बता चुके अभी, निकालना सिखा ही दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल टी इनवर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है ये भी पता है, कोई भी तकलीफ। अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे लिख दूंगा मैं, फोर्थ पॉइंट यहां पे देखना, इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, ठीक है, इट इज, सर ये क्या बोल दिया, बड़ी जोश में आ गए सर, डिफाइंड फॉर द फाइनाइट टाइम इंटरवल, अभी समझ में नहीं आया, अभी आएगा। फाइनाइट टाइम इंटरवल का मतलब ये है बेटा कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी होगा दोनों पता होगा, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा, हमें सिर्फ उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी पता होगी, कैसे, मैं जा रहा हूँ 40 की स्पीड से और अचानक ब्रेक लगा, 40 की स्पीड से मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूं, तो मेरी एक ही वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है, मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूं, अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं हूं, तो ये क्या है, फाइनाइट टाइम के लिए, नहीं, ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों पता हो तो वहां पे कौन सा लगेगा, एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगेगा, इतना तो समझ में आ गया, फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाक से, फटाक से बेटे, फटाक से आ जाओ, समझ में आया, सोना नहीं, कोई पता चले कुछ सो गए आराम से, सर बोर कर दिया आपने बेटा, बोर कर दिया 46 डिग्री में और हेवल्स के पंखे के नीचे पढ़ा रहे हैं आपको, ऊपर से इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, इतनी सारी क्या, 2-3 लाइट हैं बस, नोट कर लिया,
रब कर दिया जाए, बहुत सही। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या आता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये ई पॉइंट होगा ना, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता एट रैंडम, सडन। सर अभी तक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात करती थी, सडन सर उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, सडनली मुझसे नाराज हो गई। एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अचानक से आपकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जाए, वहां पे क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ, एक गड्ढा आ गया और आपने ब्रेक लगा ली। अचानक से आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। आप नॉर्मल स्पीड से क्या, नॉर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, अचानक से आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी तुरंत चेंज हो गई, ठीक। या आप नॉर्मल इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, आपको पीछे से लगा कि कोई चोर आ रहे हैं और एकदम आपने क्या किया, उसका एसेलेरेशन बढ़ा दिया, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। बात समझ में आई? वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। तो वहां पे सडन चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। क्या लिख आएंगे? दोनों तरह से लिख सकते हो, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो, सडन चेंज इन वेलोसिटी is known as instantaneous velocity. कोई भी तकलीफ? अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जरा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? v instant क्या हो जाएगा? डेल एस अपॉन डेल टी। बात समझ में आई? तो डेल एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोजीशन है अपॉन चेंज इन टाइम। इसको लिख लो आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? तो जब भी डेल आर, या फिर ऐसा लिखा हो, देखो डेल आर अपॉन डेल टी, तो इसको कंसिडर करके लिखा जाता है। अभी मैं आपको पूरा बता रहा। अब बी इंस्टेंट क्या है, ध्यान से देखना। बी इंस्टेंट हम बता रहे हैं आपको, बी इंस्टेंट के लिए क्या है, आपको पता है डेल आर अपॉन डेल टी मैंने बताया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लिमिट लग जाएगी, कितना लग जाएगा? डेल टी टेंस टू जीरो। मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए क्या होगी, वेलोसिटी अचानक से कम, अचानक से ज्यादा। बात समझ में आया? कोई भी दिक्कत? तो इसको हम डी आर अपॉन डी टी लिख दें, डी आर अपॉन डी टी। डी फॉर क्या होता है? बहुत कम, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं डी, ठीक है। चेंज के लिए यूज करते हैं हम डी, ठीक है। बहुत छोटी वेलोसिटी चेंज हो छोटे पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वहां पे क्या लेंगे? डी आर लगा देते, डी आर टी। छोटे पॉइंट ऑफ टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो डी एस अपॉन डी टी लगा देंगे। बात समझ में आया? डी फॉर क्या है? स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। स्मॉल छोटी क्वांटिटी के लिए, छोटा क्वांटिटी। बात समझ में आया? कोई भी तकलीफ? इतना। अब कुछ इसी में कुछ और पॉइंट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कैसे? केस फर्स्ट, इफ द पार्टिकल, ध्यान से लिखना, इफ द पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल किसके अलोंग मूव कर रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? वी इंस्टेंट क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। कोई भी तकलीफ? क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। सेकेंड पॉइंट है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग
ओनली अलोंग। बच्चों ये वन डायमेंशनल मोशन भी तो हो गया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बहुत सही, अलोंग वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, वी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, बी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। बात समझ में आ गई। और ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, वन डायमेंशनल मोशन के, ठीक है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो चीजें और बता रहे हैं आपको, ठीक है। जरा एक चीज और समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में, नोट डाल के लिखना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड टेंजेंशियली टू द पाथ। ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे है, तो मैंने क्या बताया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे एक्ट होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये। बात समझ आया, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, ये। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी है, हमेशा डायरेक्टेड होगी टेंजेंशियली टू द पाथ। आज के लिए लेक्चर को यहीं रखते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ लिया है। सर इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कब कराओगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगले लेक्चर में करा दूंगा, उसके बाद लेक्चर टू जो होगा उसमें और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इसके नोट्स बना लेना, अच्छे से नोट्स लिखना, ठीक है, और घर पर रिवाइज करना, तभी आगे जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।